बाद में थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके। और आपका अलग से कोई ऐसे टेस्ट जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये जो कंटिन्यूस आप जो प्रोसेस है प्रोग्राम करते रहेंगे, ठीक है? सबको आंसर देना जरूरी है, ये नहीं है कि अटेंडेंस देना है बस। तो सौम्या, सौम्या प्रेजेंट बोलने, हाँ सौम्या स्टार्ट करो ओंकारम, और अपना वीडियो ओपन करके ओंकारम स्टार्ट करो। मैम। ओके मैम। वीडियो ओपन कर लो फिर बंद कर ले। ओके स्टार्ट। सही बता दो। सायरा सायराम, सायराम यहाँ पर उनका नाम पढ़ देती हूँ। कैथरीन, आपकी रोज, आवाज अच्छे से अभिषेक, नहीं आ रही। यस मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही। वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। ओके तो नेट प्रॉब्लम होगा। यस मैम, आज बहुत ज्यादा आदित्य, प्रॉब्लम हो रही है। अग्रिमा, अभी आवाज आ रही है? आदित्य, अग्रिमा, अमेघा, अर्पिता, अयान, भार्गवी, अभी आ रही मेरी? यस मैम। मैम एरा, थोड़ी प्रशांत, सी संदेश, सानिका, क्लियर नहीं। यस मैम। मैम थोड़ी सी सोनाक्षी, क्लियर सार्थक, मैम। कट कट के सौम्या, आवाज आ रही है मैम। कट वैशाली, के आवाज आ रही पूर्णिमा है मैम। ब्रेक हो और रही है ब्रेक आपकी आवाज। कट आ रही है। अच्छा ओके। एक बार मैं फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन होती हूँ, आप लोग नहीं जाना, ठीक यस मैम। है? ओके यस मैम। सायराम, सायरा मैम। सायराम बच्चों, हाँ सायरा अभी आ रही ना? हाँ सायराम, सायराम सायरा मैम। ठीक है। हाँ ओके व्योम, साराक्षी, सायराम, हम आगे बढ़ते हैं अपना। तिलस्य वाणी बोलो, क्या पाठ का नाम क्या है?
वेरी गुड। तो ये आपने, ये आपको मालूम ही है कि ये पंचतंत्र से कहानी ली गई है और जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा, जिन्होंने बहुत मनोरंजक कथाएं लिखी हैं और पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा दी है। यस आवाज आ रही है? यस मैम। मैम मैम इसकी आवाज नहीं आ रही। मैम ठीक से आवाज नहीं आ रही। यस मैम। यदि इसकी आवाज नहीं आ रही तो हम बुक नहीं पढ़ेंगे। मैम नहीं आ रही है मैम। उसकी आवाज कुछ कम है, कोई बात नहीं है। तो हमें लोग से नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, हम लोग भी बात तो बांटे हैं। हम पढ़ लिया था ये श्लोक मैम, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकती हैं तो थोड़ी ठीक आ सकती है वॉइस। मैम आप कैमरा ऑफ कर दीजिए तो वो आपकी वॉइस इजी आ जाएगी। अच्छा ओके ओके ठीक। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज इसमें कम है, आज आवाज कम आ रही है। दिख रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस बच्चों। यस मैम दिख रही है स्क्रीन। ठीक। हाँ ये श्लोक दिख रहा है ना आपको? यहाँ से हम चल रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है? यस मैम। यस नरे वो की हाथ पैर से होने वाली क्रियाएं तो क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि वाणी में कंपन और अधिक लगने लगता है, ठीक है। डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं, काम नहीं करते हैं और वाणी में और अधिक कंपन होता है। तो ठीक है, सबसे पहले किसका नाम है? अनुमेघा। यस मैम। अनुमेघा। यस मैम। हाँ आप ये पढ़ोगे है ना, उसके बाद आप पढ़ना, रीडिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। एक एक वाक्यम प्रति छात्र पठत। मैम शुरू से पढ़ना है क्या? ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यहीं से पढ़ो। यस मैम। तद अहम अस्य अवाहनम करोमि। हाँ तो मैं इसका आवाहन करता हूँ। आवाहन मीन्स बुलाना। तो मैं इसको आवाज लगाता हूँ या तो मैं इसको बुलाता हूँ, अपने पास बुलाता हूँ। कह कथिति कौन कहता है? सिंह। कौन कह? सिंह। श्रृगानुज सिंह। कौन कह रहा है? सिंह। सिंह बोलो। सिंह। ओके आगे अभिषेक धाकड़। यस मैम। आप आगे पढ़ो। एवा सा बीले अव सा बीले प्रवेश में
भोज्या भविष्यति। भोज्य भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा आहार बन जाएगा, मेरा भोजन बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। एवं माने इस प्रकार सह माने वह बिल में प्रवेश करके मैं मतलब मम मेरा भोजन माने भोजनम है ना भविष्यति हो जाएगा। अच्छा अभिषेक ये बताओ भविष्यति में मूल धातु किम अस्ति? भविष्यति मैम मैं बताऊं क्या? मैं हाँ बोलो, हाँ बोलो। अस भू भव नास क्या आएगा? सोचो थोड़ा विचार है। अस अस भव से रूप बनता है मूल धातु किमस्ति? हाँ अस कह सकते हैं, भू भी कह सकते हैं, अस भी कह सकते हैं। गुड। तो कह लकार लिट लकार लिट लकार नाम किम? लिट ठीक। अस्मिन के मैम आवाज ठीक से नहीं। अबे बदम मैम वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा एवं अब मैं इसे कर सकती हूँ बताओ मैं ठीक है ओके। अब जिसको आवाज नहीं आ रही ठीक से तो एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो चल ही रहा है फिर भी कोशिश करेंगे कर हम। मैम तीन बार लेफ्ट कर लिया और तीन बार ज्वाइन कर लिया तब भी ठीक नहीं प्लस विश प्लस। अच्छा प्र प्लस कर्सर दिख रहे हैं कर्सर तो लेफ्ट लेप कह प्रत्यय लेप करेंगे वो मैम वॉइस थोड़ी भी नहीं आ रही है। सौम्या 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 आपकी वॉइस बहुत कट रही है। यस मैम। मैम आपने मुझसे अभी कुछ बोला क्या? हाँ सौम्या सौम्या मैंने बोला कि ये प्रवेश से जो शब्द है इसको हम कैसे विग्रह करेंगे। लिया प्रत्यय बताया था प्रवेश। यस मैम। हाँ क्या क्या है इसमें बोलो मैम। प्रवेश सर्ग की मस्ती प्र प्लस विश विश प्लस अस्ति अस्ति लिया पो। यस मैम। प्रत्यय पूछ रहे हैं ना प्रवेश से शब्द है तो प्र प्लस विश प्लस लेप। हाँ ठीक इसी तरह से हम समझेंगे आगे। वह इस प्रकार बिल में प्रवेश करके हमारा भोजन मेरा भोजन बन जाएगा। आप ये देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है। चलो आगे व्योम पढ़ो व्योम। इत्थं विचार विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। हाँ इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार का आवाहन किया, सियार को बुलाया, ठीक है गर्जना करके सियार को बुलाया। तो बताइए व्योम अस्मिन् वाक्ये प्रत्यय पदम किम अस्ति? विचार्य
बताओ अस्मिन वाक्य विचार्य तो वी प्लस चर प्लस लियप ठीक है और अभ्य पदम हाँ अभ्य पदम किम अस्ति अभ्य पदम द्वे स्तः अत्र सहसा और इत्थम अन्य अन्य किम अस्ति सहसा हो गया इत्थम हो गया इत्थम और एवं दोनों समानार्थी हैं ठीक है इत्थम और एवं एवं आपने पहले और इत्थम माने इस प्रकार ठीक है इस प्रकार विचार करके सोच कर इसको विचारी को हम चिंतित्व भी कह सकते बताइए ब्योम अभी आपसे प्रश्न कर रही हूं मैं यस मैम चिंतित्वा विचार्य से इति पद समानार्थी पदम तो चिंतित्वा में प्रत्यय कौन सा है कत्वा बताएं कत्वा चिंत प्लस कत्वा ठीक है समझ में आया चिंत प्लस कत्वा अब आगे देखेंगे हाँ भार्गवी आगे पढ़ना आप यस मैम यस मैम हाँ सिंहस्य उच्च यस मैम सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शृगालम् आह्वयत् आह्वयत् ठीक शेर के शेर क्या करता है सिंह किम करोती सिंह गर्जनम उच्च स्वरेण है ना गर्जती गर्जनम करोती ठीक है हाँ तो शेर की उच्च गर्जन से है उच्च गर्जना से उच्च मतलब दहाड़ने से जोर से दहाड़ने की प्रतिध्वनि से प्रतिध्वनि जानते हैं जो जब आवाज हम कभी ऐसी जगह पर किसी पहाड़ पर है ना या कोई खाली जगह होती है जहाँ सामान नहीं होता है इको होती है ठीक है तो उसको प्रतिध्वनि जो हमने आवाज की और वो लौट करके आ रही है हमको सुनाई दे रही है हमारी आवाज उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं तो शेर के तेज दहाड़ने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार को बुलाने लगी ठीक है जैसे शेर ने दहाड़ा सियार को बुलाया तो वो जो गुफा थी जहां से वो बोल रहा था वो भी उसी प्रकार से बोलने लगी यानी इस शेर की आवाज लौट करके आने लगी ठीक है तो बताइए कौन अनुमेघा प्रतिध्वनिना इति पदे का विभक्ति प्रतिध्वनिना मुनिना प्रथमा विभक्ति बताओ कौन सी तृतीय विभक्ति तृतीय अभिव्यक्ति अस्ति है ना प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से प्रतिध्वनि के द्वारा शेर के जोर से गर्जन करने की प्रतिध्वनि के द्वारा वह गुफा भी जोर से सियार को बुलाने लगी अनुमेघा आह्वयत जो शब्द है वो कस्मिन लकारे अस्ति आह्वयत लट लिट लंग बताइए सर मैं बताऊं हाँ बताओ सर मैम लंग लकार है हाँ लंग लकार है वेरी गुड नाम की मस्ती मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो अपना नाम बताओ मैम अमे अमे वेरी गुड हाँ तो अमे प्रतिध्वनि ना आपने बताया तृतीय अभिव्यक्ति ठीक है और एक वचनम मैम मैंने वो नहीं बताया था मैंने वो सॉरी आह्वयत बताया आपने आह्वयत बताया ठीक गुड तो अब यहाँ पे आह्वयत आपने हमें बताया है जिसकी इसका कर्ता शब्द क्या है कर्तृपदम की मस्ती किसने बुलाया मैम सिंहस्य ने सिंहस्य गुहा तो षष्ठी विभक्ति है गुहा वेरी गुड है ना गुहा गुहा शब्द देखो सातो सर्वनाम हो गया अब सर्वनाम के बाद में
ये वह कौन है, गुफा है, तो गुहा आ जाएगा। गुहा और विलंब दोनों समानार्थी शब्द है, शेर नहीं है, सिंहस नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए हमें? हमें बुलाया, किसने बुलाया? गुफा ने बुलाया। ठीक है, गुफा भी जोर से आवाज करने लगी, सियार को बुलाने लगी। हमें आगे बढ़ना। अच्छा, इसमें हमें बताओ कौन सा अव्यय शब्द है? अव्यय शब्द की मस्ती उच्च ही। ठीक है, आरुष नहीं, अभी हमें पढ़ेगा, हमें पढ़ो। अनेन अन्यपि, हाँ, अनेन अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन्। वेरी गुड। अनेन अन्यपि, इससे दूसरे भी पशु, जंगल में तो बहुत से पशु रहते हैं, ठीक है, तो दूसरे भी जो जानवर थे, है ना, पशवः जंतवः दोनों समानार्थी है। पशवः का क्या है समानार्थी, क्या बताया? जंतवः। जंतवः जितना भी आप पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ो, आपका असेसमेंट होगा, है ना। आज नहीं होगा, आज रिवीजन होगा, नेक्स्ट कक्षा में जो जो आप पढ़ते जाएंगे एक एक चैप्टर आपका असेसमेंट होता जाएगा और उसके नंबर नोट होंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जब भी कभी रिजल्ट आएगा तो आपके नंबर हमारे पास है। ये मत सोचना कि एक अलग से टेस्ट इसका होगा, हम कंटिन्यूस इसको लेते रहेंगे। एक चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो। ठीक है, गूगल फॉर्म से आपका टेस्ट होगा और ओरल तो मैं आपसे पूछ ही रही हूँ। तो दूसरे भी पशु माने पशु या जानवर भयभीत हो गए। तो अमे वदतु पशवः इति पदस्य विशेषण पदम किम्। विशेषण क्या है बताओ? मैम भयभीत। वेरी गुड, भयभीतः, है ना, बहुवचनम अस्ति, पशव इति पदम बहुवचनम, तो भयभीता इसका विशेषण है, तो वह भी बहुवचन में होगा। ठीक है, आप अन्य भी कह, अन्येपि भी कह सकते थे, ये भी विशेषण में आएगा, दूसरे भी, और भयभीतः तो विशेषण आपको पक्का लग ही रहा है ना। ठीक, तो भयभीतः के लिए प्रश्नवाची पद क्या आता है, हमें बताओ प्रश्नवाची पद? मैम का कीदृशः। वेरी गुड। अच्छा, पशवः के लिए क्या आएगा? कौन? के कौन बता रहा है आंसर? व्योम। व्योम, व्योम जब आपसे पूछा जाए तब आप बताइए, हमें को बताने दो। ठीक है, हाँ गुड। अब इसके बाद में आरुष, आरुष की बारी है। यस मैम। आरुष। यस मैम। हाँ पढ़ो आगे। शृगालोपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत। पठत, वेरी गुड। इमं प्लस अपठत, ठीक है, शृगालः प्लस अपि, स्यार भी, वहां से, ततः माने वहां से, ततः का विलोम क्या होगा? इतः। ठीक है, ततः का विलोम क्या है बताइए? इतः। इतः, इतः। तो स्यार भी वहां से, देखो तत्र माने वहां होता है, ततः माने वहां से होता है ना, इतः अत्र माने यहाँ और इतः माने यहाँ से, समझ में आ गया? तो वहां से दूर भागते हुए, पलायन जानते हैं ना आप, जो दुश्मन होते हैं, है ना, युद्ध में, या जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो युद्ध में पलायन कर जाते हैं, आपने सुना है ऐसा? नो मैम, मैंने सुना है, जरूर सुना होगा, क्योंकि आप जब कहानी पढ़ते हैं, है ना, भागता हुआ, मैम भागता हुआ, है ना, आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ भाग रहे हैं, तो भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। ठीक है, यह पढ़ा, क्या पढ़ा है श्लोक, तो आप नीचे दिया हुआ है, आपको नहीं मालूम है, यह पढ़ा, सियार ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। ठीक है, तो यह पलायमान कस्य विशेषण पदम अस्ति, कस्य पदस्य विशेषणम बताओ आरुष?
कौन भाग रहा है? आरुष। यस मैम। पलायमानः कस्य पदस्य विशेषणम्? मैम चलो व्योम आप बताओ। मैम श्रृगाल। श्रृगाल ठीक है। हाँ ठीक श्रृगाल। आरुष आवाज थोड़ा जैसे मेरी धीरे आ रही है ऐसी आपकी भी धीरे ही आ रही है ठीक है। चलो आगे। अब आगे कौन पढ़ेगा? सौम्या पढ़ेगी। सौम्या। यस मैम। पढ़ो आगे श्लोक आ रहा है पढ़िए। यस मैम। अनागतम यह कुरुते सह सशोभते सशोचयते यो न करोत नागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। हाँ अब यहाँ पर आपको अनागतम, अनागतम का विलोम क्या हो सकता है? आगतम। आगतम वेरी गुड। अनागतम का आगतम। शोभते अशोभते शोभते अशोभते। और सह का क्या होता है? एषः एषः है ना एषः ठीक है। और यहाँ ये संधि विच्छेद शब्द है वने प्लस अत्र ठीक है। पहले भी आया था एक शब्द अन्येपि अन्ये प्लस अपि जो एक एक ही मात्रा लगती है उसके बाद में यदि एस का चिन्ह होता है तो एक ही मात्रा जैसी है जैसा शब्द है जिस पर भी मात्रा लगी है वैसा ही रहता है ना। तो वने प्लस अत्र है ना। जैसे भारतेपि बोलो क्या होगा? अलग अलग करो। भारत वेरी गुड। हाँ तो इस तरह से हमें समझना है। जैसे जलेस्मिन क्या होगा? जलेस्मिन जले प्लस जले प्लस अस्मिन। वेरी गुड अच्छे से समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो जरा शब्द है आगता शब्द है ये किस लिंग में है आप समझ सकते हैं? किस लिंग में होगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वेरी गुड। हाँ स्त्रीलिंग। और ईकारांत इसमें ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी है। अंतिम पंक्तौ चुनुत ईकारांत स्त्रीलिंग पदम किम अस्ति? वाणी। वाणी वेरी गुड। वाणी को हम वचनम भी कहते हैं वाक भी कहते हैं। वाक कपे हलंत वाक है ना। वाणी को हम वाक भी कहते हैं और वचनम भी कह सकते हैं ठीक है और वाक्यम भी कह सकते हैं। और यहाँ श्रुता में कौन सा प्रत्यय हो सकता है? कत प्लस श्रुता। कत प्लस कत दो प्रत्यय हैं। गुड। कत प्लस टाप दो प्रत्यय हैं। यदि आप एक प्रत्यय में बोलना चाहेंगे तो श्रुत प्लस टाप हो जाएगा ठीक है। दो प्रत्यय में बोलना चाहेंगे तो श्रु प्लस कत प्लस टाप ठीक है। यस मैम। हाँ इसमें अभ्य शब्द कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको बोलिए। अच्छा एक मिनट मुझे। हाँ क्या है? न। वेरी गुड। और आगे और अत्र अत्र गुड। और बोले कदापि गुड। बने नहीं ये इतना ही है ठीक है। न हो गया कदापि हो गया और अत्र हो गया। ये आपके शब्द जो हैं ये क्या है? ये अव्यय शब्द है ठीक है। चलो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। आपके सामने आएगा अर्थ। अनागतम माने जो नहीं आया है। आगतम माने आया हुआ। अनागतम जो हमारे सामने अभी आया ही नहीं है, है ना। यानी क्या है? भविष्य। उसके बारे में हम सोचते हैं तो क्या करें क्या होगा हमें बताओ? चिंता हो जाती है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ और जो आ चुका है ना
उसके बारे में भी हम सोचें तो सो सही है। देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ ये सोच रहा है ना, तो यहाँ ये है कि जो व्यक्ति जो आने वाले दुख के विषय में सोच लेता है, भविष्य में जो दुख आने वाला है उसके बारे में, या कोई दुख भी नहीं हो कोई बात भी हो उसके बारे में सोच लेता है तो वह शोभा पाता है, है? जो आने वाले दुख के विषय में नहीं सोचता है उसे चिंता करनी पड़ती है। देखो हमारे सामने दुख आया नहीं है, ठीक है, और हम सोच रहे हैं तो ये ठीक है, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं हम, लेकिन जो आ चुका है दुख उसके बारे में यदि हम नहीं सोच रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, क्या पैदा कर देगा हमारे लिए, टेंशन, चिंता, है ना, हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है क्योंकि हम नहीं सोच रहे हैं। यहाँ मन में रह, जैसे कि आपको कोई काम दिया जाता है, आपको पढ़ाई करने, पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, यदि आप उस समय नहीं सोच रहे हैं तो आपको चिंता हो जाएगी, ठीक है, और बाद में ऐसा होगा, मैंने कहा कि आपका असेसमेंट होगा तो वो आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो अच्छा है क्योंकि आप कुछ करेंगे उसके लिए, लेकिन जो चीज आपको कराई जा रही है आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए चिंता का कारण है। तो यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा के लिए क्या शब्द आया है, जरा, ठीक है। यहाँ वन में समस्थस से माने रहते हुए मैं बुढ़ापा आ गया, मुझे बुढ़ापा आ गया या मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बिल की वाणी, वाणी माने आवाज, बिल की इस गुफा की आवाज तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है। कौन कह रहा है ये, कह कथिति, ठीक है, वेरी गुड। श्रृगालह को हम लोम सिकह भी कहते हैं, लोम सिकह, ठीक है, लोम सिकह, लोमड़ी, लोमड़ी, गीदड़, सियार, एक ही बात है, ठीक है। जम्बू कह भी शब्द है, जम्बू कह, चलो। तो यहाँ पे जो आने वाले दुख के विषय में सोचता है वो शोभा दे होता है, शोभा देता है, और जो दुख आ चुका है उसके बारे में नहीं सोचता है वह चिंता का कारण होता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैंने तो बिल की आवाज कभी नहीं सुनी है, ठीक है। यहाँ पर ये श्रु धातु है ना, श्रुता में श्रु धातु हो गई, और आगता में कौन सी धातु है बताइए, आगता, गम, अच्छा इसको संधि विच्छेद करो, आरुष संधि विच्छेद करो, करोत्यागत, करोत्यनागतम, संधि विच्छेद कर सकते हैं, इसमें एक शब्द तो आपका सबसे आगे दिया हुआ है अनागतम, ठीक है, फिर बचेगा क्या, आगे का शब्द क्या है, करोति, क्या है, करोति, करोति प्लस अनागतम, करोति माने करता है, है ना, ठीक। तो ये आपका पाठ हो गया, है ना, अब आगे इस पाठ का हम अभ्यास कर लेते हैं। पाठ आधारित अभ्यास दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, ये आपका पहला अनुच्छेद है, पहला पैराग्राफ, ठीक है। एक बार मैं अपने बच्चों को देख लेती हूँ। आदित्य, Yes, ma'am. आदित्य, हाँ देखो जिस बच्चे का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ तो मुझे एरा, एरा, Yes, ma'am. हाँ आप है ना, मुझे नाम बताया करोगी, ठीक है, ओके ma'am. बच्चे हैं, आप मुझे नाम बताना जिससे मैं पूछ सकूं, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे नाम नहीं दिखते हैं, आप नहीं दिखते हो, ठीक है, तो आपकी ये ड्यूटी है, एरा की ये ड्यूटी लगाई Yes. है, ठीक है ना, हाँ, और ऐसे एक एक दिन सबकी ड्यूटी लगा देंगे, तो आप
बताइए कि मुझे किससे पूछना है और किसने नहीं बोला है, ठीक है? गुड। तो अब आदित्य से पूछ रही हूँ, आदित्य के बाद में जिसने नहीं बोला है वो बोलेगा, जैसे आप भी बोल सकती हैं, आपने नहीं बोला है अभी, है ना? तो आदित्य, हाँ, ये आपका पैराग्राफ है। यस, पढ़ो पैराग्राफ, पढ़ो थोड़ा। ओके मैम। कस्मिनम शचित वने खरनकर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म सह कदाचित परिभ्रमण शुद्धार्थ न परिभ्रमण परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचित। ये बताओ आपके पास में बुक है? बुक है? यस मैम। यस मैम। पुस्तकम अस्ति समीपे। हाँ, तो उसी में से पढ़ो एक पैराग्राफ, ठीक है? तो जल्दी पढ़ पाओगे। क्या है, कभी कभी स्क्रीन पे दिखता नहीं। मेरे इसमें वो नहीं है मैम, पैराग्राफ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। किंचित किंचित अपि आहारम आहार आहारम प्राप्तवान। हाँ, प्राप्तवान ततः सूर्यास्त सूर्यास्त समय समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनं एकस्यां गुहायां गच्छति। कोपि, ये गलत लिखा हुआ है, कोपि कोपि जीवः आगच्छति घ अतः अत्र निगूढो निगूढो भूत्वा भूत्वा तिष्ठामि तिष्ठामि इति इति। हाँ, तो ये जो दिया लिखा हुआ है इसका मतलब विराम चिन्ह है ये यहाँ पर, ठीक है? ये कुछ अलग फॉन्ट में है इसलिए इस तरह से आ गया है। तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो खर नखरह कुत्र प्रतिवसति स्म एक पदेन उत्तर। ओके, बताइए। मान लो ये पैराग्राफ आपको आए, आपकी गूगल फॉर्म में आ जाए और उसी से एक क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आपको इस तरह का एक असेसमेंट पे आपने, हाँ, कस्मिंचित तो अकेले नहीं, एक पदेन बोला है, उसमें पूरा आंसर ही नहीं आ रहा। कस्मिंचित तो किसी हो जाएगा, किसी एक पदेन आंसर तो बने आएगा, ठीक है? क्या आएगा, कहाँ रहता था पुत्र, पुत्र माने कहा, तो वने, आपको केवल वने बोलना है। पूरा कस्मिंचित अकेले से तो काम ही नहीं चलेगा, और यदि आप दोनों शब्द बोल देंगे कस्मिंचित वने, तो आपके दो शब्द हो जाएंगे। तो फिर आपको एक मार्क का यदि उत्तर है आपका ये प्रश्न है, तो आपको आधा मार्क ही मिलेगा दो लिखेंगे तो, और कस्मिंचित लिखा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और वने लिखा आपने तो पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है? ओके मैम, समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। हाँ, तो कुत्र मींस कहाँ होता है, और कहाँ के लिए आप वने बोलिए, एकदम सही है। वने, कानने, अरण्य, ये समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है? अब आगे गुहाम दृष्टवा सह किम अचिंत्यत, एरा आप बताओ, एरा गुहाम दृष्टवा सह किम अचिंत्यत, क्या सोचा उसने? इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, मतलब पूरा वाक्य बोलना है, बोलिए। ये आंसर कहां से कहां तक हो सकता है? ये तत् सूर्यस्त में समय एकः महती गुहा दृष्टा दृष्ट्वा स अचिन्त्यत्। तो ये पूरा उत्तर हो गया क्या? अभी तो वो सोचा ही, उसने क्या सोचा वो तो आपने बोला नहीं मैम। स अचिन्त्यत् नूनम् एतस्य गुहा राजो कोपि जीव आगच्छति। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सुनो, इन्वर्टेड कॉमा से लेकर के तिष्ठामि इति यहाँ तक पूरा आ जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करो, गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत नूनम, और नूनम से डैश डैश करके पूरा लिख करके इति लिख देंगे, ये आपका पूरा उत्तर हो गया, ठीक है मैम? एरा सुनना,
हाँ बोलो मैम, अचिंत यत के बाद यत भी तो लिखना है। यत भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखना है, जैसे ही इसमें लिखा हुआ है आप वैसे भी लिख सकते हैं। यदि आपको यत आता है तो बहुत सुंदर बात है, ठीक है, समझ में आया। अब एरा आगे बताओ, मैं किससे पूछूं, जिसने नहीं बोला है उसका नाम देना। शीघ्रम मैम, क्या को नाम ही नहीं है? हाँ बोलो। सह अचिंत्यत, इतनी वाक्य सह सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैम एक मिनट, कौन है सह, कौन है ये सह, गुफा में कौन है, गुफा को देखा किसने, कौन है? सह सर्वनाम पदम अस्ति, सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, क्या नाम आएगा यहाँ पर? चलो कोई और बताए। मैं बताऊ? मैं, हाँ बोलो, कौन है मैं? मैम भार्गवी। नाम लिया करो। हाँ भार्गवी बोलिए। मैम सिंह। सिंह, वेरी गुड। हम सिंह इति पदाय भी हो सकते हैं, आप सिंह, आप कस्मै मतलब चतुर्थी व्यक्ति है, तो हम चतुर्थी व्यक्ति सिंह में चतुर्थी व्यक्ति क्या शब्द होगा, क्या बनेगा? जैसे बालक का चतुर्थी बालका होता है, सिंह का भार्गवी क्या बनेगा, बोलो, बालकाय है ना, तो सिंहाय होगा, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ अब इसी तरह से ये श्लोक दिया है, अब श्लोक से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, तो जैसे कस्य वाणी कदापि न सुता, एरा बताओ किससे पूछना है मुझे, इसको और कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे। हाँ बोलो मैम। अयान, अयान बदतु एक पदेन, देखो जो आए बोलना जरूरी है। कस्य वाणी कदापि न सुता, बिलस, वेरी गुड। अब एरा आगे, कह शोभते पूर्ण वाक्य नतरत, अर्पित, अर्पिता बोलो, अर्पिता मैम कह शोभते, अनागतम यह, मैम अनागतम यह, वेरी गुड, कह शोभते, शोभते, वेरी गुड। अच्छा एरा नेक्स्ट मैम, लोकेश काननम, हाँ काननम इति पदस्य समानार्थक पदम श्लोकम श्लोकात् चित्वा वदत, काननम अभी मैंने बताया था, बोलो जिससे पूछा है बोलो, काननम कानने क्या शब्द आएगा, कोई भी बोले जिसको आ रहा है, वने, वने, ठीक है। तो यदि हमको मान लो इसमें नहीं दिया है वनम नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर वनम कर देंगे, काननम का हम वनम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम सेम विभक्ति में और सेम वचन में होना चाहिए। अब वने जो है सप्तमी विभक्ति है, काननम जो है आपका कौन सी विभक्ति है, प्रथमा या द्वितीया, तो हमको इसको सप्तमी विभक्ति में बना, इसको सप्तमी विभक्ति है इसको हमें इसी विभक्ति में बनाना पड़ेगा प्रथमा या द्वितीया में, तो वनम कर देंगे हम, ठीक है। समानार्थी पद उसी विभक्ति वचन में होते हैं जिसमें वो शब्द होता है, आ गया समझ में? ये आपके देखो व्यू आंसर भी देख सकते हैं इसमें, आया कि नहीं, हाँ आ गया ना, आ गया, आ गया है ना, देखो यहाँ काननम की जगह पर वनम लिखा हुआ है ना, तो समानार्थी की ये पहचान है कि जिस विभक्ति वचन में आपका प्रश्न है उसी विभक्ति वचन में हम ढूंढ करके पैराग्राफ से या श्लोक से उसको उसी में बदल दें, ठीक है। तो चलो ये आप बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स दिए हो,
और ध्यान रखना आगे जब आपका वो होगा टर्न होगा तो एक गूगल आपका टेस्ट जरूर होगा इन दोनों पाठों में से, ठीक है, दोनों पाठों का मिलाकर के होगा। ओके मैम, ठीक है। तो उसमें ग्रामर के प्रश्न भी हो सकते हैं और आपके पाठ आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। यस मैम, ठीक है ना। तो आप तैयार रहना सब, नेक्स्ट टाइम जरूर टेस्ट होगा। और जितने बच्चे आ रहे, टोटल बच्चे कितने हैं आपके क्लास में? मैम 20 प्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो 20 हैं। वैसे बताइए 34। ओके ठीक। तो आप है ना यहाँ पर, वैसे अभी कितने बच्चे आए थे, लगभग कितने आए थे टोटल, किसी ने देखा? मैम 25, मैम 26 हो गए। ओके ठीक, थैंक यू संदेश। तो इस तरह से आपको नोट करके भी रखना है कि ज्यादा संख्या कितनी हुई है ना, बताने के लिए तैयार रहा करो। कुछ आपको अपने टीचर्स की भी हेल्प करनी चाहिए, पढ़ो भी ऐसे, हेल्प भी करो, सब नॉलेज रखना पड़ता है ना। समझ में आया? जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं तो चारों तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं, बोलो? अपना रास्ता भी देखते हैं और इधर उधर सब तरफ भी नजर दौड़ाते हैं। तो आप भी इस तरह से थोड़ा ध्यान रखा करो, ये आपकी भी ड्यूटी है और मैम की ड्यूटी तो है ही, ठीक है। आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, आप रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी बात है ना। पढ़ाई का ही मतलब है, आप जो सुन रहे हैं उसका रेस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। अगर नहीं है ना, मैम आपने मेरा नाम दिया है अग्रिमा। अच्छा देखो अग्रिमा, आंसर दिया करो बेटा, है ना, ठीक है। यस मैम। चलो अग्रिमा, अगली बार है ना आप नाम बोलना, ठीक है। अगली बार बच्चों का नाम आप बोलेंगी, बच्चों जिस जिससे मुझे पूछना है आप नाम बोलोगे, या मैं कुछ भी पूछती हूँ थोड़ा रेस्पॉन्स आपको करना है। सब बच्चे तो एक साथ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आपकी ड्यूटी दी है, ठीक है। ओके मैम। चलो अब आप लीव कर सकते हैं, शांति पाठ कराओ अग्रिमा। शांति शांति शांति, हराम ऐसी आवाज आपके पढ़ाई में भी होना चाहिए, ठीक है। मैम हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? देखो उसमें पाठ से संबंधित ही प्रश्न करने हैं आपको। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है, पाठ से संबंधित कौन सा लकार है, कौन सा मूल धातु है, ठीक है। ओके, इस तरह का ही प्रश्न, वे कौन सा है, सर ने क्वेश्चन किए हैं, समझा नहीं करो, एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। यस मैम। और मैम अनुवाद हम खुद से लिख सकते हैं? हाँ 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 ठीक, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख करो बेटा। ओके।